हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी शाम के 4 बजे हैं और मैं फ्री थी अभी फ़िलहाल, कोई किचन का काम नहीं था, तो मैंने सोचा कि आज चलिए थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे लेते हैं, थोड़ी सी अपनी केयर कर लेते हैं। और मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूँगी कि फैमिली के साथ साथ अपनी भी केयर करिए। जब आप अपनी केयर करते हो, खुद से जब प्यार करते हो, खुद की रिस्पेक्ट करते हो, तो आप में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। और जो कॉन्फिडेंस हमारा जब अच्छा होता है, तो हम हर काम को अच्छे से कर पाते हैं और हम आगे बढ़ पाते हैं। तो अपनी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। हम फैमिली की केयर करते हैं, फैमिली के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, फैमिली की हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, तो साथ में हमें अपना भी ध्यान रखना चाहिए और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, प्लस अपनी स्किन की हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम आपको एक ऐसा फेस पैक बताने जा रहे हैं जो पार्लर में आपको 1000 रुपये का फेशियल ग्लो नहीं देगा। ये फेस पैक आपको 10 मिनट में उससे ज़्यादा, उससे कई गुना ज़्यादा आपको ग्लो देगा। और मैं लाइव आपको दिखाऊंगी बिल्कुल कितना फ़र्क हमारे फेस में हो जाएगा। अभी मेरा फेस देख लीजिए, मैंने कुछ भी लगाया हुआ नहीं है, क्लीन फेस है हमारा। और अभी मैं फेस पैक रेडी करूंगी और उसको अप्लाई करूंगी, उसके बाद क्लीन करने के बाद आप फेस को देखिएगा कितना चेंज हो जाता है फेस में। तो हम सभी को अपनी केयर जरूर करना चाहिए। तो ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं हमारे लिए अच्छी होती हैं, हमारी स्किन पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, फ़ायदा ही होता है, हमारी स्किन को अच्छा ही करती हैं। तो चलिए बनाते हैं एक ऐसा जादुई फेस पैक जो 10 मिनट में पार्लर वाले महंगे फेसियल से 1000 गुना आपको ग्लो देने वाला है, 1000 गुना आपकी स्किन को ब्राइट करने वाला है। अगर आपको अटेंडम कहीं जाना है, कोई पार्टी अटेंड करनी है, शादी अटेंड करनी है, तो आप इस फेस पैक को बना के लगाइए, अप्लाई करिए और 10 मिनट में आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा जो कि पार्लर में भी नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कॉफ़ी पाउच लिया है, तो मैंने यहाँ पे आधा पाउच ही यूज किया है क्योंकि मुझे केवल अपने लिए, केवल फेस के लिए ही बनाना है। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में हर चीज़ ले लीजिए। उसके बाद मैंने 1 चम्मच चीनी ली है, जो हम चाय में यूज करते हैं शुगर, वही ली है। उसके बाद लिया है हमने कच्चा दूध, और लिया है थोड़ा सा गुलाब जल, 7 से 8 बूंद हमने गुलाब जल की ले ली हैं। अब हमें लेना है गेहूं का आटा, जिससे हम रोटी बनाते हैं। हाँ, इसकी जगह आप बेसन भी ले सकते हैं अगर आपको सूट करता है तो। बेसन बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन किसी किसी को सूट नहीं करता है, खुजली होने लगती है। तो आटा सभी को सूट कर जाता है और आटा से हमारे जो हेयर होते हैं छोटे छोटे हमारे फेस पे, वो भी रिमूव होते हैं। तो आटा लिया है और सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे, और जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो और हम दूध लेते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, और इसको घोलते जाएंगे। इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे इस तरीके से, देखिए। और इस पेस्ट को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। 10 मिनट बाद इसको हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने का आप ये तरीका जो है ज़रूर आपको आना चाहिए। हमेशा आप अपने फेस पे जो भी कुछ भी अप्लाई करें, हमेशा आपकी जो फिंगर हैं, आपका जो हाथ है वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए, इस तरीके से, ऊपर से नीचे की ओर नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है और इसी तरीके से हमें पूरे फेस पे इसको अच्छे से अप्लाई करना है, पूरा फेस कवर करना है। और फेस के साथ साथ हमेशा अपनी जो गर्दन है उसको हमेशा कवर करिए, नहीं तो गर्दन में और फेस में डिफरेंस रहेगा। उसके बाद हमें 10 मिनट इसकी मसाज करनी है फिंगर की हेल्प से, और इस तरीके से देखिए मसाज भी करने का तरीका आप देख लीजिए। हमेशा फिंगर जो हमारी है वो ऊपर की ही तरफ जाना चाहिए, नीचे को नहीं जाना आना चाहिए। तो इस तरीके से हमें 10 मिनट मसाज कर लेनी चाहिए, और 10 मिनट मसाज करने के बाद हमें इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। तो मसाज करने से क्या है, जो हमारे हेयर होंगे ना वो भी रिमूव होंगे। और देखिए मैंने 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया, और 10 मिनट बाद फिर हल्की सी आप मसाज कर सकते हो, जिस आप चेंज देख सकते हो। मैंने कुछ भी अभी नहीं लगाया, मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाया है, ये देखिए बिल्कुल बस फेस धुल के आ रही हूँ सीधा।
ये देखिए, और आप इसको फेस पे ही नहीं, आप इसको अपने हाथों पे यूज कर सकते हो, पैरों पे यूज कर सकते हो, किसी किसी की जो एल्बो होती है ना बहुत ज़्यादा ब्लैक होती है आप वहाँ पे यूज कर सकते हो, किसी किसी की जो पैर की साइड में जो होती है ना ये गाट टाइप, ये बहुत ज़्यादा ब्लैक होती है किसी किसी की, तो आप यहाँ यूज कर सकते हो। आप किसी भी जगह इसको यूज कर सकते हो, नेचुरल चीज़ें हैं, कोई भी नुकसान वाली चीज़ नहीं है, कोई भी केमिकल वेस्ट चीज़ नहीं है। और कॉफ़ी हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, हमारी स्किन को ब्राइट करती है, हमारी स्किन के जो दाग धब्बे जो भी होते हैं पिंपल्स के, पिगमेंटेशन के, उनको ख़त्म करती है। हम इसको यूज कर सकते हैं, एक बार यूज करके ज़रूर देखिएगा। अगर रिजल्ट ना मिले आपको, अगर आपको ऐसा लगे कि ये फेक वीडियो है, कोई भी रिजल्ट हमें नहीं मिला, तो आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर भी रखा है ना तो भी अनसब्सक्राइब कर देना। मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि आपको जो रिजल्ट 1000 रुपये वाले फेसियल से नहीं मिलेगा, जो इस 10 मिनट के फेस पैक से आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं कभी भी पार्लर नहीं जाती हूँ, कभी भी कुछ भी नहीं कराती हूँ। और इसमें जो हमने आटा मिलाया था ना, इससे हमारे जो हेयर होते हैं ना वो भी रिमूव होते हैं, जैसे अपर लिप्स के हैं, किसी किसी के इस जगह भी बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो भी रिमूव होते हैं। तो कई सारे फ़ायदे हैं इस फेस पैक के। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, यूजफुल रहेगी, तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रिजल्ट कैसा रहा। और अब मैं लगाऊंगी अपने फेस पे मॉइस्चराइजर, क्योंकि मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़रूरी होता है कुछ भी करने के बाद, कुछ भी लगाने के बाद, चाहे फेस वॉश करने के बाद या फेस पैक लगाने के बाद, कुछ भी करने के बाद, फेस वॉश करने के बाद आपको मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है। तो मैं जा रही हूँ लगाऊंगी मॉइस्चराइजर, और आपके कमेंट का वेट करूंगी कि आपका रिजल्ट कैसा रहा।